यूपी के हापुड़ में क्रिकेट खेल का मामूली सा झगड़ा दो गुटों में हिंसक झड़प में बदल गया। दोनों ओर से की गई फायरिंग, पथराव और आगजनी में करीब 6 लोग घायल हो गए। घटना रविवार की है। दरअसल हापुड़ के नरेना गांव में 3 दिन पहले क्रिकेट खेलते वक्त बच्चों में आपसी कहासुनी हो गई। गांव के लोगों ने बच्चों को समझा बुझाकर इस मामले को मौके पर ही शांत करा दिया, लेकिन कल एक गुट ने दूसरे गुट के घर के बाहर रखे सामान में आग लगा दी, जिसके बाद दोनों पक्षों की ओर से जमकर फायरिंग और पथराव शुरू हो गया। मारपीट की इस घटना ने अब सियासी रंग ले लिया है। खुलेआम गुंडागर्दी हुई है, दलित वहां से पलायन हुए हैं, पीटे भी हैं। हैदराबाद के जू में शराब के नशे में धुत एक शख्स को ऐसी सनक सवार हुई कि वो शेर से हाथ मिलाने उसके बाड़े में कूद गया। गनीमत ये रही कि जू घूमने आए लोगों और कर्मचारियों ने मुशक्कत से उसकी जान बचाई। घटना हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क की है। लोगों की सांसें उस वक्त थम गईं जब जू घूमने आया राजस्थान का रहने वाला मुकेश नशे की हालत में शेरों के बाड़े में कूद पड़ा। ये वाकया देखकर जू में हड़कंप मच गया। जो जहां खड़ा था उसकी चीख निकल पड़ी। बाड़े में कूदे मुकेश को देखकर शेर भी हरकत में आ गए। गनीमत ये रही कि सामने होने के बावजूद शेर ने मुकेश पर हमला नहीं किया। इसी दौरान जू कर्मचारियों ने भी मुकेश को बचाने की कवायद शुरू कर दी। उन्होंने शेर की आवाज निकालकर और कुछ ने पत्थर फेंककर शेरों को उस शख्स की तरफ बढ़ने से रोका। अब तक मुकेश का नशा भी उतर चुका था और वो जान बचाने के लिए दीवार की तरफ भागा। जू कर्मचारियों और वहां मौजूद लोगों ने रस्सी की मदद से मुकेश को बाहर निकाला। उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुंबई के कांदिवली पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने आई एक महिला और पुरुष की पुलिस वालों ने जमकर पिटाई की। पुलिस थाने में मौजूद एक शख्स ने बनाए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे पुलिस वाले इन पर जमकर डंडे बरसा गए हैं। वीडियो में दिख रहे चेहरे साफ नहीं है, लेकिन पुलिस वालों की बेरहमी साफ साफ देखी जा सकती है। बताया जा रहा है कि मुंबई के कांदिवली थाने में जिस शख्स को पुलिस पीट रही है वो पुलिस स्टेशन में ही झाड़ू पोछे का काम करता है। महिला से किसी बात पर लड़ाई होने के बाद दोनों एक दूसरे के खिलाफ FIR करने की गुजारिश कर रहे थे। इस बीच एक पुलिस वाले ने डंडे से आदमी को पीटना शुरू कर दिया और बाद में दूसरे पुलिस वाले ने भी उसे बेरहमी से पीटा। जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है। विराट कोहली और रोहित शर्मा समेत 7 स्टार खिलाड़ियों को जिम्बाब्वे टूर से आराम दिया गया है। वहीं टीम इंडिया की कमान महेंद्र सिंह धोनी संभालेंगे। धोनी की अगुवाई में वनडे और T20 सीरीज खेलने जिम्बाब्वे जा रही टीम के लिए सिलेक्टर्स ने लगातार क्रिकेट खेल रहे 7 सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, सुरेश रैना, शिखर धवन, आर अश्विन, अजिंक्य रहाणे और रविंद्र जडेजा टीम में शामिल नहीं हैं। हालांकि IPL में दमदार प्रदर्शन दिखाने वाले जसप्रीत बुमराह, मनीष पांडे, KL राहुल और यजुवेंद्र चहल की जिम्बाब्वे टूर के लिए टीम में एंट्री हुई है। वहीं 16 सदस्यों की इस टीम में महाराष्ट्र के 30 साल के फैजल की सरप्राइज एंट्री भी हुई है। फैजल ओपनिंग बैट्समैन के साथ साथ फास्ट बॉलिंग भी कर लेते हैं।